थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला एक हेल्दी से ब्रेकफास्ट रेसिपी का। सो यस गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ स्प्राउट्स चीला की रेसिपी। अब बेसन चीला और मैदा का चीला, अंडा का चीला, ओट्स चीला, ये सब तो आपने खाया ही होगा, बट हाँ जो चीले का रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ, आई एम डैम श्योर गाइज ये आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा, और अगर आपने ये पहले से ट्राई किया हुआ है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यस गाइज, आज हम बनाने वाले हैं स्प्राउट्स चीला। कैसे बनाने वाले हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें हम मिक्स करने वाले हैं, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। एंड यस गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो स्प्राउट्स होते हैं वो वेट लूज के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर भी हो तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में एक हेल्दी ऑप्शन के रूप में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, यानी एक वेट लॉस वाले लोगों के लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन होने वाला है। और यस, चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट्स ज़रूर करना। तो चलो फटाफट से अब मैं आपको इंग्रीडियंट्स बता देती हूँ कि हमारी इस रेसिपी के अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स यूज होने वाले हैं, आ जाइए। सो इंग्रेडिएंट्स में गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया हुआ है स्प्राउट्स, ठीक है, ये मैंने स्प्राउट्स लिए हुए हैं, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है वॉश, कोई बॉईल नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, सिंपली सादा पानी से इनको धो के हमने रखा हुआ है। साथ ही में हमने यहाँ पे लिए हुए हैं कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि हमने यहाँ पे एक छोटा टमाटर लिया हुआ है कटा हुआ। टमाटर जो मैंने कट किया है ना वो मैंने सीडलेस है, मतलब जो इनके अंदर सीड्स होते हैं वो मैंने निकाल के कट किया हुआ है, इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना थोड़ा सा आप। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप्ड अनियन मैंने लिया हुआ है, एज यू कैन सी, आप चाहो तो आप फाइन चॉप भी कर सकते हो। साथ ही में मैंने यहाँ पे कुछ रफली चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर लिया है, कुछ मिंट लीव्स लिए हुए हैं, और साथ ही में मैंने स्लिट करी हुई ग्रीन चिलीज़ ली हैं। अभी इसका हम क्या यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पनीर लिया हुआ है मैश करके, इसका भी क्या यूज़ होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिया हुआ है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने चीले का बनाना है बैटर, तो चलो हम अपने बैटर बनाने की तैयारी करते हैं। सो गाइस, बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने मिक्सिंग जार के अंदर ऐड कर लेंगे हमारी स्प्राउट्स। ये हमने स्प्राउट्स इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमने जो ये रफली चॉप्ड यहाँ पे लिए हुए हैं धनिया, पुदीना और ग्रीन चिलीज, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें इसका एक बैटर बना लेना है, और साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन। 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अब बेसन ऐड करने के बाद में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल, दैट्स इट। ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, ज़रा सा पानी ऐड करके अब हम इसका बैटर बनाएंगे। सो गाइज, ये हमारा स्प्राउट्स का जो बैटर है बन के हो चुका है रेडी। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इसी कंसिस्टेंसी में एग्जैक्टली आपको इसको पीसना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो ये अब हम कर लेंगे हमारे एक बड़े मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र पूरे बैटर को। सो ये मैंने निकाल लिया है अपना बैटर एक सेपरेट मिक्सिंग बोल में। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर, साथ ही हम ऐड कर देंगे प्याज, थोड़ा सा प्याज हम बचा लेंगे क्योंकि हम जो स्टफिंग है उसके लिए हम थोड़ा सा प्याज रख लेंगे। साथ ही में लास्ट में हम ऐड कर देंगे इसके अंदर नमक, नमक स्वाद अनुसार आप डालना क्योंकि हम स्टफिंग के अंदर भी नमक डालेंगे। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स।
मिक्स करके इसको हम रेस्ट मोड पे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। सो यहाँ पे स्टफिंग के लिए मैंने पनीर को ले लिया है जो मैश किया हुआ था। इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काले मिर्च पाउडर। साथ ही में हम ऐड कर दे रहे हैं इसके अंदर ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल लेना। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर भुना हुआ जीरे का पाउडर। नमक ऐड कर दूंगी और साथ ही में बचा हुआ हम अपना डाल देंगे इसके अंदर प्याज और इसको हमें कर देना है मिक्स अच्छे से हाथों से। आप इसके अंदर चाहो तो वेजिटेबल्स आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, बीटरूट हो गया या कैप्सिकम हो गया, आप जो चाहो वेजिटेबल्स बढ़ा सकते हो। मैं सिर्फ प्याज की बना रही हूँ, प्याज और पनीर की। तो इस तरीके से हमारी स्टफिंग भी हो गई है रेडी, बैटर भी हमारा हो चुका है रेडी। अब हम करते हैं हमारे चीला बनाने की तैयारी। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपना तवा कर दिया है। अब तवा के ऊपर हम हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर लेंगे। इसको चारों तरफ स्प्रेड कर देना है हमें। सो गाइज मैंने ये बैटर पूरे में फैलाया है क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ एक बिग साइज़ वाला। इस वजह से आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके इसको मैनेज कर सकते हो। अब हमें इसको अच्छे से कुक होने देना है वन साइडेड। जब ये साइड में से अपने आप इसके जो ये एजेस है ना ये उठने लग जाएंगे इट मीन्स कि वन साइडेड हमारा कुक हो गया है। तो यहाँ पे साइड में हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल वन साइडेड हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। सो गाइज अभी हम इसे होने देंगे कुक। सो यहाँ पे गाइज अब हमें इसे कर लेना है फ्लिप। बड़ी केयरफुली फ्लिप करना पड़ता है ये। तो इसके साइडर्स को हम करेंगे फ्लिप। नॉन स्टिक पे अगर आप बना रहे हो तो दिक्कत होगी नहीं ज़्यादा आपको। वैसे आप देखोगे ये हटता चला जाएगा। अब हम इसको कर लेना है फ्लिप एंड सी गाइस कितना अच्छा इस पर कलर आ गया है, एकदम ब्राउन। मैंने बड़े साइज़ का बनाया है, आप अपने हिसाब से साइज़ मैनेज कर लेना छोटा बड़ा जैसे आप बनाना चाहते हो या जैसा आपसे बन पड़े। तो उसको दूसरी साइड से भी अभी हमें इसी तरीके से कलर में हमें गोल्डन ब्राउन करने तक इसको पकाना है। सो गाइज इसको हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे फ्लिप। ये हो चुका है हमारा सेकेंड साइड से भी कुक। अब हमें इसके अंदर फिल करनी है हमारी स्टफिंग जो कि हमने बनाई थी पनीर की। अब हमें इसे कर देना है क्लोज और क्लोज करके भी हम इसको कुक करेंगे अराउंड 2 to 3 minutes, दैट्स इट। वो सिर्फ इसलिए स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे जिससे कि ये एकदम क्रिस्पी बन जाए। क्रिस्पी तो ये ऑलरेडी हो चुका है बट थोड़ा सा क्रिस्पी और करूँगी इसको मैं।
सो इसी तरीके से गाइज इसको कवर करके लॉक करके हमें अराउंड 2 से 3 मिनट मैं तो पकाऊंगी, क्योंकि मैं इसको करूंगी एकदम क्रिस्पी। अगर आप लोगों को क्रिस्पी नहीं पसंद है तो आप इसको डायरेक्ट भी इतना कुक करके 1 मिनट कुक करके अराउंड सर्व कर सकते। सो गाइज ये हमारा हो चुका है स्प्राउट शीला बन के रेडी। एज यू कैन सी द स्टफिंग ऑफ पनीर जो हमने इसके अंदर फिलिंग करी हुई है वो अलग ही नज़र आ रही है, और आप लेयर भी देख सकते हो चीला की, बिल्कुल अलग अलग है। और मैं इस क्रिस्पीनेस और गोल्डन ब्राउन कलर की बात कर रही थी जो आप चीला के ऊपर अलग से देख सकते हो। मैंने गार्निश किया है इसको हरे धनिए की पत्ती के साथ में। आप चाहो तो इसे सर्व कर सकते हो ग्रीन चटनी के साथ में, पुदीना धनिया की चटनी, या फिर केचप या शेजवान के साथ में भी खा सकते हो आप इसको, जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैंने अभी कोई इसके साथ में कॉन्डिमेंट्स ऐड नहीं किए हैं। सो आई होप आपको मेरी हेल्दी सी रेसिपी ये पसंद आई होगी गाइस। अगर पसंद आई हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट्स ज़रूर करा करिए गाइस। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्दी सी डिलीशियस सी रेसिपी के साथ में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।